नक्षना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। रश्मि ठाकरे लगातार शिवसेना में टूट को लेकर के अपने बयान को जारी करती रही हैं बीते दिनों भी, और अब भी लगातार वो सक्रिय हैं। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि रश्मि ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस ने माफ़ी मांगी है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त की। हालांकि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, ऐसे में उनसे जुड़ा ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में फिर से एक बार भूचाल आने वाला है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से शिवसेना और कहें तो एक शिंदे गुट साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बीच जो खींचतान है वो मची हुई है, और ये तमाम लीडर आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच रश्मि ठाकरे से जुड़ा देवेंद्र फडणवीस का जो खबर आ रहा है वो बड़ा खबर है। और ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में फडणवीस जिस तरीके से बीजेपी की तमाम रणनीति बना रहे हैं, बीजेपी के वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में दाव लगाने के बारे में सोच सकती है। लेकिन ऐसे में फडणवीस का रश्मि ठाकरे से माफी मांगना ये किस बात को दर्शाता है? क्या फडणवीस बीजेपी के उस दिए गए धोखे को लेकर के अब कोई नया प्लान तैयार कर रहे हैं? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को लेकर के जो तमाम खबरें चल रही थी शिवसेना में बगावत के बाद, उससे यही समझा जा रहा था कि फडणवीस को जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अचानक से एक नए चेहरे को ला करके सीएम की गद्दी पर बिठा दिया जाता है। ऐसे में फडणवीस का बीजेपी हाई कमान से नाराज चल रहे हैं। फडणवीस का बयान जो आया है और उनसे जुड़ा जो बड़ा अपडेट आ रहा है इस वक्त का, बताया जा रहा है सूत्र के हवाले से कि फडणवीस ने रश्मि ठाकरे से माफ़ी मांगी, और रश्मि ठाकरे उद्धव ठाकरे की पत्नी है। ऐसे में रश्मि ठाकरे से माफ़ी मांगने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहीं ना कहीं शिवसेना से माफ़ी मांगी है, और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में अब महाराष्ट्र की सियासत में इस बड़े घटनाक्रम के बाद क्या देखने को मिलता है, क्या महाराष्ट्र की सियासत फिर से एक बार नए रास्ते को तय करने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज को। धन्यवाद।